कल्पनाथ राय जी का नाम लेकर वोट लेती रही हैं। घोसी नवनिर्माण मंच आज तक कभी किसी से वोट नहीं मांगा है। आज पहली बार हम ये तय कर रहे हैं कि घोसी नवनिर्माण मंच घोसी लोकसभा के लिए चौथा विकल्प खड़ा करेगा। अगर तीन निकम्मे लोगों में से चुनने की बात आए तो निकम्मों को चुनकर हम न भेजें, एक चौथा विकल्प होगा। जो हिंदू मुस्लिम हिंदी घोसी नवनिर्माण मंच का प्रत्याशी उतरेगा और हिंदू मुस्लिम, देखिए एक मिनट सर, सबके सवाल ले लेंगे हम लोग। जैसे कि समाजवादी पार्टी कहती है भाजपा को हराने के लिए वोट दो, भारतीय जनता पार्टी करती है समाजवादी पार्टी को हराने के लिए वोट दो, घोसी नवनिर्माण मंच कहता है घोसी को बचाने के लिए आप लोग एकजुट हो जाइए और घोसी को बनाने के लिए वोट दीजिए, इन सभी को हटाने के लिए वोट दीजिए, इन सभी को भगाने के लिए वोट दीजिए, अपने वोट के चोट से भगाइए और अपने लोकतंत्र को मजबूत करिए और घोसी लोकसभा के मुस्तकबिल को बनाइए और आगे बढ़ाइए, सवारिए। निकम्मा शब्द कह रहे हैं, कहीं ऐसा तो नहीं कि आप पर मुकदमा हो जाए? अरे भाई साहब, अगर इन लोगों ने काम किया है तो दो चार ठो काम बता दें, अगर काम नहीं किया तो क्या कहा जाएगा? बाहरी किसको समझ रहे हैं आप? बाहरी बालकेश चौहान तो मौलोग दोनों हुई हैं। बाहरी और निरंकुश तत्वों का बहिष्कार करने की बात की गई है। उन्होंने चुनाव जब लड़ा, वो चुनाव जब लड़े 1999 में, उसके बाद से उनका जनता ने दर्शन नहीं प्राप्त किया, तो निरंकुश की श्रेणी में उनको जनता रखती है। और बाहरी है, एक तो बंगलौर वाले नेताजी हैं, एक तो बनारस वाले नेताजी हैं। अगर घोसी लोकसभा में आग लग जाएगा ना, तो आते आते पूरा लोकसभा जल के खाक हो जाएगा। तो क्या क्या नेता, ऐसे नेता की हमें खाक जरूरत है? हमें अपने लोगों के बीच का नेता चाहिए था। खुद लड़ना चाहते हैं क्या लोकसभा? हाँ, ये तो ऐलान किया जाएगा, जनता ऐलान करेगी, ये तो निर्णय होगा, लेकिन चौथा विकल्प हम देंगे। भाजपा की जिला अध्यक्ष का मतलब बयान आया कि बद्री जी के कहने पे भाजपा जो है लोकल प्रत्याशी को नहीं उतारेगी। जी जी, आप क्या कहेंगे भी, आप लोकल की बात कर? अरे जनता के कहने पर उतारने की बात हो रही है, बद्री जी ने थोड़ो कहा है। बद्री जी जनता के मुद्दों को उठा रहे हैं और जनता ये चाहती है कि क्षेत्रीय मुद्दों पर आधारित क्षेत्रीय सांसद दिया जाए। अभी 5 महीना पहले एक उपचुनाव हुआ था, आप सभी लोगों ने देखा था, वो मिसाल आप लोगों के सामने है। उसमें समाजवादी पार्टी ने कहा बाहरी भगाओ घोसी बचाओ, आज उसी पार्टी ने कहा है बाहरी बुलाओ और भव्य स्वागत कराओ। तो ये क्या है, रिमोट कंट्रोल से चलेंगे हमारे लोग? समाजवादी पार्टी तहसील में और कहीं भी प्रशासनिक स्तर पर काम नहीं हो रहा है, वाकई नहीं हो रहा है, आपको भी लगता है? एक बात तो आप, जी जी, वाकई तहसील में आप जाइए तो बिना घूस दिए लेखपाल करवट नहीं लेगा, ठीक है? आप खेत नपवा दीजिए, हमारा ही दो जगह नपवाना है, चलिए नपवा दीजिए बिना पैसा का, तो मैं मान जाऊं, हमारा ही नपवाना है। इसलिए हमारे कई लोग परेशान थे, लेकिन हम लोग अपना संगठन बना के लड़ाई लड़ते हैं और काम करवाते हैं, और संगठन और मजबूत होगा। पुलिस की बात करती है, जी जी, जैसे ओम प्रकाश राजभर जी पीले गमछे के थाने में लग जाए कोई कुछ नहीं होगा, जी जी। अभी आपके महोदय ने भी कहा कि हम थाने पुलिस में पैसे लेके बात करी जाती है। जी जी जी, बताएं इस पे आप। तो वो खुद ही बता रहे हैं कि मतलब काम नहीं होता तो हमारे पास आओ, अगर वो सही से काम करते तो उनके पास जाने की जरूरत थी। बद्री जी एक सवाल आपसे, आप जब शुरू में यहाँ आए थे तो आपने कहा कि हम लोकल लोगों को प्रमोट करेंगे, लोकल जो चुनाव लड़ेगा उसको प्रमोट करेंगे। जी, तो चलिए एक बेंगलोर के हो गए और एक बनारस के हो गए। जी जी, एक यही बालकृष्ण चौहान लड़ रहे हैं मऊ के, तो क्या उनसे साठ गांठ आपकी नहीं बनी या क्या चीजें रह गई जो आपने निर्णय ले लिया कि हम अब घोसी नवनिर्माण मंच चुनाव लड़ेगा? देखिए सर, जिस समाज का उनको वोट मिला था और उसी समाज के लोगों का मंदिर उन्होंने कब्जा कर लिया, वही लोग काकरीहार में विरोध कर रहे हैं, आवाज़ उठा रहे हैं, तो ऐसे लोगों का समर्थन देंगे? जन भावनाओं की अनदेखी न हो, इसके लिए घोसी नवनिर्माण मंच बना है। अगर लोकल आदमी आया और मुद्दा विहीन चुनाव लड़ा, फिर 5 साल बाद आप लोग हम ही से पूछेंगे कि भैया क्षेत्रीय और बाहरी में अंतर क्या है? इसलिए क्षेत्रीय मुद्दों पर आधारित क्षेत्रीय सांसद जिनको मौका मिला काम नहीं किया तो उनका समर्थन घोसी नवनिर्माण मंच कभी भी नहीं देगा, जीवन में कभी भी नहीं देगा। घोसी नवनिर्माण मंच से प्रत्याशी कौन, बद्रीनाथ या अन्य? अभी जनमत संग्रह किया जा रहा है, अभी प्रोसेस में ही है चीजें, जल्द से जल्द इसकी घोषणा कर दी जाएगी और ये चौथा विकल्प होगा। यही घोसी का नवनिर्माण करेगा और घोसी लोकसभा के समस्याओं का समाधान दिलाएगा। प्रत्याशी सिर्फ घोसी से उतारेंगे या मतलब अन्य लोकसभा सीटों से भी उतारेंगे? नहीं, घोसी नवनिर्माण मंच,
कल्पनाथ राय जी के जो सपने अधूरे रह गए, उनका सपना था घोसी लोकसभा को सिंगापुर बनाने का, विकास की बुलंदियों पर पहुंचाने का, वो सपना अधूरा है। बाहरी और निरंकुश लोगों ने उस सपने को ध्वस्त कर दिया है। अब इन बाहरी लोगों से मुकाबला करके उनको मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा, करारा जवाब दिया जाएगा और घोसी लोकसभा के भविष्य के लिए घोसी का नेता तैयार किया जाएगा। इसमें विधानसभा चुनाव भी शामिल हैं आने वाले समय। ऐसा नहीं कि विधानसभा में कुछ होगा, लोकसभा में कुछ होगा, हर जगह जहां भी पार्टियां क्षेत्रीय लोगों की अनदेखी करेंगी वहां पर घोसी नवनिर्माण मंच अपने प्रत्याशी खड़ा होकर क्षेत्रीय मुद्दों पर आधारित क्षेत्रीय सांसद और विधायक तैयार करेगा और हमारी आवाज़ें एक बार फिर से विधानसभा में और लोकसभा में गूंजेंगी। समाजवादी पार्टी और बसपा ने जीत का दम भर दिया, कैसे देख रहे हैं इस बीच कैसे चुनाव? अरे देखिए साहब, इसका अपने मुंह से तो कोई कह देगा मैं जीत रहा हूँ, बम्पर वोट से, वोटों से जीत रहा हूँ। जनता वोट देती है, जनता के वोटों से पार्टियाँ सरकार में आती हैं। अब जनता उन इन पार्टियों से वोट वापसी अभियान चलाने जा रही है, क्योंकि जनता की भावनाओं के विपरीत इन्होंने कैंडिडेट उतारे हैं। अब सारा वोट पार्टियों से वापस आकर घोसी नवनिर्माण मंच में गिरेगा और घोसी का प्रत्याशी, घोसी का सांसद, क्षेत्रीय मुद्दों पर आधारित क्षेत्रीय सांसद पार्लियामेंट जाएगा। धन्यवाद सर, धन्यवाद, थैंक यू।